नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आपके इसमें मांडू का जो लिंक है फोन में है क्या? फोन में मांडू को जो सीताराम जी का जो लिंक है वो नहीं है ना? तो ठीक है, हमारे पास एयरटेल का टावर ही नहीं। हाँ, दूसरा वाला यो विश्वाभोगान पश्चाचन्यान् समसमद्भवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पादरसो नस्तुति। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के अंतिम प्रकरण अलात शांति प्रकरण के ऊपर विचार शुरू। तो यहाँ पे ग्रंथकार जो है पहले तीन प्रकरण में क्या कहकर आया भगवान भाष्यकर संक्षेप में बताया। क्या बताया? पहले आगम वाक्य के आधार पर जगत की मिथ्या तो निश्चय होने पर उसको युक्ति के द्वारा भी समझा जा सकता है, इसलिए कोई तथ्य प्रकरण को शुरू किए थे। अब यह सब मिथ्या जब सिद्ध हो गया तो अद्वैत भी मिथ्या होगा, तब उसको युक्ति पूर्वक सत्य को सिद्ध करने के लिए अद्वैत प्रकरण बनाया आवश्यक। अब जो अंतिम में आते एतत् तत् उत्तमं सत्यं यत्र किंचित् न जायते, इसलिए ही सबसे उत्तम सत्य है कि जहाँ से कुछ उत्पन्न ही नहीं होता। ये जो प्रतिज्ञा का भैसी को अकार पढ़ना था पहले बोलते अपोपक्ष में अकार पढ़ने वाला आदि क्षमता अंदर, ठीक है ना? तो इसको जो है दृष्टान्त की तरह समझाने के लिए दृष्टान्त को समझाने के लिए अलग शांति प्रकरण शुरू किया है। योगाशिष्ट में भी उपशम प्रकरण है, वहाँ पर भी ये जागृत को सुषुप्त बनाने की प्रक्रिया और ये जो है अलग शांति को लेकर पर एक सुंदर श्लोक आता है। यथा अलात परिस्पंदा अग्निचक्रम प्रदृश्यते असद एव सदा भस्म चित्त स्पंदा तथा जगत। क्या बोलते हैं? यथा अलात परिस्पंदा, एक मशाल को जब आप घुमाएंगे तब अग्नि चक्र प्रदृश्यते, अग्नि एक गोल चक्र के रूप में दिखाई देगा। अग्नि चक्र प्रदृश्यते, प्रदृश्यते असत एव सदा भाषा, ये असत ही सत रूप में भाषित होता है, नहीं होते भी सत रूप भले। क्यों? चित्त स्पंदन तथा जगत, चित्त के स्पंदन के कारण जगत भी ऐसे प्रतीति हो रहा भाषित हो रहा है। चित्त स्पंदन तथा जगत, ये योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण 78वां उपशम प्रकरण में आया। यथा अलात परिस्पंदात अग्निचक्रम प्रदृश्यते असद एव सदा भाषम चित्त स्पंद तथा जगत। चित्त से मन को लेना है, मन के स्पंदन के लिए। हाँ, बस मनुष्य अपने भाव मन और चित्त पे शब्द आया था, मन और चित्त का भिन्न करके कहा जाता है। मनुष्य अमनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध है, मन खुशता नहीं अस्ती अविद्या मनुष्य अंतरे न मन ही अविद्या भगवंत हेतु तस्मिन विजृंभित सकलम विजृंभित विनष्ट तस्मिन सकलम विनष्ट,
है ना, मन जैसे मुंह खोलते तो जगत दिखाई पड़ता है, मन यदि आप उसको बंद करके रख सकते हैं तो जगत नहीं दिखाई देता। दृष्टांत सुषुप्ति है, समाधि आपने अनुभव। अब जो कल हम इसको पर उपखंड भाष्य पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे, तथा अद्वैत दर्शन सांप्रदायिक है, यहाँ पे जो ग्रंथ का अर्थ है शुरू में भी बीच में भी और अंतिम में भी जो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का अभिप्रेत है ग्रंथ के निर्विघ्न को समाप्ति और इसकी उपयोगिता सिद्ध, मतलब लोग लोगों को इसका लाभ मिले। इसीलिए पहले क्या किया कि आचार्य वंदन ही सबसे बड़ा परम परम था, ये आज मंगलाचरण है। इसलिए हम बोलते तथा अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तु अद्वैत स्वरूपेण पर नमस्कारार्थम अयम आद्य श्लोक। अब हम अद्वैत परंपरा को प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे नमस्कार तो द्वैत में होता है, तो यहाँ पे इसलिए अद्वैत में कैसे नमस्कार हो सकता है उसको दिखाने के लिए ये श्लोक आया हुआ थे। एक साथ पढ़ेंगे श्लोक। ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनो भवान् येयाभिन्नेन सम्बुद्धस्तं वन्दे द्युतनामरन्। आज यहाँ पे एयरटेल का टावर नहीं है और किसी के पास लिंक नहीं है, श्रमिक का नंबर भूल जाएंगे। 9 8 1 मिनट, आप 9 8 6 8 8 5 0 5 0 5 9 4 5 9 4 इस नंबर पे आप लिंक भेजने से मैं दूसरा कौन से लिंक कर सकता हूँ। दोबारा 9 8 9 8 6 8 8 6 8 8 5 0 5 0 5 9 4 5 9 4। हाँ, इसमें जब लिंक भेजते हैं तो मैं उस लिंक से आपको फिट कर सकता हूँ। हमारा फोन काम नहीं करता है, एयरटेल का टावर नहीं। तो यहाँ पे तथा अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तु अद्वैत स्वरूपेण पर नमस्कारार्थम। हम अद्वैत परंपरा की मर्यादा है कि अद्वैत भाव से ही अपनी गुरु परंपरा को नमस्कार करना है, इसीलिए यहाँ पे ये बोलते इस श्लोक को पढ़े दो बार। ज्ञान आकाश के समान है, ज्ञाता भी आकाश के समान है, और ज्ञाता जब ज्ञेय वस्तु को ज्ञान के माध्यम से जानते हैं तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के अलग नहीं रह जाता है, एक ही हो जाता है। इस प्रकार के जिसने जान लिया उस समस्त दो पदों में श्रेष्ठ को उसको मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। ये अद्वैत मतलब नमस्कार करता हूँ तो स्मरण ही उसका नमस्कार है। कल यहाँ तक हम लोग ने पढ़ना है 2 3 4 3 टिप्पणी को भी पढ़ लिए थे। नेक्स्ट है आचार्य पूजा ही अभिप्रेत अर्थ सिद्ध्यर्थ इष्यते शास्त्र आरंभे। शास्त्र के शुरू में आचार्य की पूजा अथवा उनकी स्तुति ही अभिप्रेत अर्थ सिद्धि इष्यते, मतलब जिस अभिप्रेत अर्थ, अभिप्रेत क्या है, ग्रंथ के प्रचार और इसकी निर्विघ्न परिसमाप्ति, इस अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि के लिए यहाँ पे शुरू में आचार्य की पूजा अभिष्ट है। आचार्य पूजा इष्यते शास्त्रारंभे, आचार्य पूजा इष्यते शास्त्र के शुरू में जो है आचार्य की पूजा हमारा अभिष्ट है। क्यों? क्योंकि अभिप्रेत अर्थ सिद्धि अर्थ, अभिप्रेत विषय को मतलब सफलतापूर्वक मतलब सिद्धि अर्थ मतलब अभिप्रेत अर्थ यहाँ पर है सिद्धि अर्थ मतलब उसको सफलता के लिए उसको सफलता अभिप्रेत अर्थ सफल हो जाए तो सफल हो जाए। इसलिए हमारा अभिप्रेत अर्थ क्या है, शास्त्र निर्विघ्न परिसमाप्ति और इसका प्रचार एक ही बोल करता है। यहाँ पे 5 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है, शास्त्र आरंभ के ऊपर हाँ 5 नंबर टिप्पणी यहाँ पे शास्त्र आरंभ। शास्त्र क्या बोलता है, शासनात् त्रायते इति शास्त्र, शासनात् त्रायते इति शास्त्र। मंत्र का क्या होता है, मननात् त्रायते इति मंत्र, क्या शासनात् जो आपके अनुशासन के द्वारा हमको रक्षा करते हैं वो शास्त्र बोलते हैं। किसने बोलते हैं, शासकत्वात्
प्रकरण यह शास्त्र, क्योंकि हमको शासक मतलब रूलर, तो शास्त्र क्या हो गया, शासनात्रायते इति शास्त्र में शास्त्र इज रूलर, जो रूल हमारे लिए बनाते हैं इसलिए बोलता है शासकत्वात् प्रकरणम यह शास्त्र, शासक अर्थात इस प्रकरण को शास्त्र रूप में कहते हैं कि शास्त्र आरम्भ, शास्त्र के शुरू में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार विचार करनी है, सब गाइडलाइन शास्त्र से पता होता है, इसलिए शास्त्र बोला। इसके द्वारा शास्त्र हमको संसार बंधन से छुड़ाता है, रक्षा करता है, इसीलिए आचार्य पूजा शास्त्र आरम्भ ही इष्यते, आचार्य की पूजा शास्त्र के शुरू में अभिष्ट है, क्यों, अभिप्रेत अर्थ सिद्धियर्थ, अपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्ति करने, प्राप्त करने के लिए। अब जब श्लोक की पद को लेकर के बोल रहे, आकाशेन ईशद ईशद असमाप्तम आकाशकल्प, आकाशकल्प मतलब आकाश से थोड़ा कम है ना, कल्प आकाश सदृश मतलब आकाश नहीं है, आकाश सदृश तो आकाश नहीं है, है ना, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं आकाशेन ईशद ईशद असमाप्तम आकाशकल्पम, है ना, इस थोड़ा सा कम जो आकाश की कल्प इसमें कहते हैं कल्प शब्द का अर्थ होता है उससे थोड़ा सा कम, अथवा थोड़ा बिल्कुल सादृश्य नहीं है, थोड़ा सा भिन्नता है, इसको बोलते हैं आकाशकल्पम, आकाश तुल्य वितीयत मतलब आकाश के लगभग आकाश के समान है, जिसका भी प्रत्यर्थ है, कौन है वो, ज्ञान, तेन आकाशकल्पेन ज्ञानेन, उस आकाश के सादृश्य व्यापक असंग जो ज्ञान है, व्यापक असंग जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा किम क्या हुआ था, क्या हुआ उससे, धर्मान मतलब आत्मन मतलब जीवात्मन समस्त जीवों को, अजीव कैसा है, वो भी गगनोपमान है, तो किम विशिष्टान किस प्रकार के जीव है, किम किसके तरह विशेषित है, गगनोपमान आकाश के समान, उसका तुलना भी गगन आकाश के समान ही है, वहाँ पे तो आकाश कल्प बोला, यहाँ पे गगनोपमान बोला, है ना, आकाश सादृश्य और गगन की तरह आकाश की तरह भी, मतलब दोनों ही आकाश की समान ही है, अच्छा अभिप्राय क्या है, व्यापक और असंग है, व्यापक और असंग कहना चाहते हैं, किम विशिष्टान गगनोपमान गगन उपमा जेशाम, उसके लिए तुलना क्या है, किसके साथ तुलना किया जा सकता है, आकाश के साथ इसका तुलना होना संभव है, किस दृष्टि से तुलना है, आकाश देखना शास्त्र में कहा आकाश की उत्पत्ति होती है, यहाँ पे आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, तो आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए ये शांति गगनोपमा तान आत्मनो धर्म उस जीवात्मा को, नहीं आया अभी तक, अब अभी फोन मत करना क्योंकि तो पाठ विघ्न होता है, अब समय के पास भेज दिया, देखते हैं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हाँ आने से बोल रहे, असंग और व्यापक, असंगता और व्यापकता, आकाश व्यापक भी है, आकाश असंस्पृष्ट पदार्थ है, किस हिसाब से आकाश को दृष्टांत के रूप में बोलते हैं, परंतु आकाश की उत्पत्ति है, जीव की उत्पत्ति नहीं है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं है, शास्त्रों से आकाश की उत्पत्ति पता लगे, मतलब कितना हिस्से में दृष्टांत ग्रहणीय है, उतना हिस्सा ही है कि आकाश की असंगता और व्यापकता के लिए दृष्टांत दिया जाता है, किम विशिष्टान गगनोपमान गगनो उपमा देशम, आकाश ही है तुलना है, जिसके लिए विशिष्टम गगनोपमान, हाँ प्रमाण ना फिर आ है गगनोपमान, फिर प्रमाण ना आकार है, न में आकार नहीं हमें पुस्तक में, गगन उपमा देशम गगन उपमान धर्मान के लिए बोलते हैं, एक मिनट ठीक है, उपमान है धर्मान, देन आ की क्रिया को गगनो उपमा गगना, हां अच्छा या कर होबे ना, नहीं है गगनो उपमा जिसम आकाशी तुलना है, जिसका तुलना तुल्य है, जिसका ते वो लोग कौन है, तो वो तो धर्मान मतलब धर्मान मतलब हम जीव को बोला जाए, जीवात्मा को बोला जाए, गगन उपमा तान उन लोगों को आत्मन उन उस आत्मन मतलब धर्मान जीवन उन जीवों को जिसको जाना था, इस बोलेंगे ना जिन उन जीवों को जिसने जाना, इस रूप में जाना, ज्ञाभिन्नेन संबुद्ध
देव और ज्ञान से अभिन्न है, देव और ज्ञान अभिन्न है। ज्ञान कैसे जिसको हम देव रूप में समस्त है वो क्या है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। इसलिए हमारे पाठी पाठी जी तो लिंक तक क्लिक करो। आपका BSNL तो है आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं तो यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है। ये शांत गगनो पवन तान आत्मनो धर्मान है ना, वहाँ पे देखिए अन्वयार्थम एवं पुनराह आत्मन, मतलब ये जो है अब मूल में जो क्या था धर्मान जो गगनो पवन, यहाँ पे गगन उपमा किसके साथ है, आत्मन मतलब जीवात्माओं का, जीवात्माओं को ये धर्मा आत्मन कौन सा विभक्त होना चाहिए, आत्मन विभक्ति वचन क्या होना चाहिए इसका, तान जो आप बोल रहे हैं द्वितीय बहुवचन, बस ये आत्मा शब्द का द्वितीय बहुवचन पंचम एक वचन षष्ठी एक वचन सब एक ही वचन। जब आप यहाँ पे इसी जो तान शब्द आया हुआ है वहाँ इधर धर्मान, इधर तान इधर धर्मान, वहाँ तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना द्वितीय वो वचन है धर्मान, धर्मान तान रामान। तो इसी के बीच गगन है जीवात्मा और आकाश क्या है, नहीं गगन को तो आकाश बोला जा रहा है, पहले वो ज्ञान और ज्ञाता और जो है जाना कैसे, क्योंकि जिसको मैं जानने के लिए गया था वो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञानदार ज्ञाता से अभिन्न है। इस प्रकार से चलता है सिनेमा में बोलते हैं किम विशिष्टान गगनोपमान गगनो उपमा जे शांति गगनोपमा तान आत्मधर्म तान आत्मनो धर्मान। अच्छा आत्मनो में बोलते हैं आत्मनो मतलब धर्मान, यहाँ पे दोबारा क्यों बोला, बोलते हैं अन्वय करने के लिए किसके साथ, हमने जिसको जाना था, किसको जाना था, जीवों को जाना था, जीव को जाना था, क्या जाना था कि ये मैं अपने से सब अभिन्न ही है, अपने सब ज्ञान ज्ञाता ज्ञ अभिन्न है, इसको अपने जाना था। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो इस प्रकार जाना था ना, जह नॉमिनेटिव सिंगुलर है ठीक है ना, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से जीव और ज्ञान और ज्ञाता ये तीनों भिन्न नहीं है इस प्रकार से जिसने मना वो नारायण, जब जिसने जान लिया इस तत्व को वही नारायण है, उसको मैं वंदन करता हूँ। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अन्वयर्थम पुनः, दोबारा भी यहाँ पे आत्मनो शब्द प्रयोग किया, किम विशिष्ट गगनोपमान गगनोपमान ये शांति गगनोपमान तान आत्मनो धर्मान। यहाँ पे देखिए पहले तेन आकाश कल्पेन ज्ञानेन किम, पहले पन्ने में देखिए धर्मान मतलब आत्मन, लिखा है एक बार फिर दोबारा लिख रहे हैं आत्मनो धर्मान ठीक है ना, दोबारा क्यों लिखा, अन्वय समझाने के, समझ में इसको अंदर समझाने के, किसको जाना था, बात को शुरू किया था कि आत्म धर्मान आत्मनो धर्मान शब्द अर्थ कर दिया आत्माओं को, आत्माओं को हमारे पास तो अनेक आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है किंतु व्यवहारिक में उपाधि के साथ अनेक जैसे प्रतीति होती है। तो आत्मा कैसा है कि विशिष्टान गगनोपमान आकाश की तुल्य है, ये शांति गगनोपमा तान आत्मनो धर्मान, कुछ जो है जो आत्मजीव आत्माओं को जो जीवों को मतलब जाना था। यहाँ पे दोबारा इसलिए कहा कि दोबारा समय में कहाँ पर धर्म शुरू भी बोला, अंत में बोले अन्वय को दिखाने के लिए ज्ञान से एवं पुनर्विशेषण, इस ज्ञान का ही दोबारा विशेषित करते हैं, ज्ञान को गैर धर्म ही आत्म भी अभिन्न अग्निपुष्णवत सवित्री प्रकाशवत ज्ञानम तेन ज्ञाभिन्नेन ज्ञानेन आकाशकल्पेन ज्ञ आत्मस्वरूप अव्यतिरिक्तेन गगनोपमान धर्मान
यह संबुद्ध मतलब संबुद्धवान इति एवं एव ईश्वरो जो नारायणाख्य तम वंदे उसको अभिवादये दीपदाम्बरम दीपद उपलक्षितान पुरुषाणाम वरम प्रधानम पुरुषोत्तम इति अभिप्राय। नंबर सेंटेंस लिख दिया पे ज्ञानस्य एव पुनर्विशेषणम वो जो ज्ञान बोला था ना ज्ञान को फिर एक विशेषण देते हैं। पहले तो जीव का विशेषण दिया ज्ञान का भी ज्ञान सेवा पुनर्विशेषण ज्ञान का विशेषण क्या ज्ञेय धर्म ही ज्ञेय क्या जो वस्तु है ज्ञेय में जो धर्म बैठा हुआ है ज्ञेय धर्म ही वो आत्म भी अभिन्न जो ज्ञेय है और वो जो आत्मा जानने वाले इससे अभिन्न है इससे अभिन्न है वो ज्ञान ज्ञान के बीच बोलते हैं ज्ञेय धर्म आत्म भी अभिन्न। ये अभिन्नता कैसे है जैसे अग्नि की उष्णता जैसा सूर्य की प्रकाश मतलब उसका स्वरूप है अग्नि की उष्णता मतलब अग्नि के स्वरूप है उष्णता सूर्य की प्रकाश जिसका स्वरूप है इस प्रकार से बोलते हैं अग्नि उष्णव सवित्र प्रकाश वच्च इस प्रकार का जो ज्ञान है तेन ज्ञेय अभिन्न ज्ञान न इस प्रकार से ज्ञान और ज्ञेय दोनों अभिन्न हो गए ज्ञान और ज्ञेय दोनों अभिन्न हो गया क्योंकि जिसको मैं जानने चाह रहा था वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है अच्छा जिसको मैं जानना चाह रहा था वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है इसलिए विषय रूप में आता ही नहीं है कभी इसलिए बता तेन ज्ञेय अभिन्न ज्ञानेन और वो ज्ञान कैसा है आकाश कल्पेन ज्ञान व्यापक ज्ञान है चेतनता व्यापक है इसकी ज्ञेय आत्मस्वरूप अव्यतिरिक्त और ज्ञेय का जो अपना स्वरूप पूछा ज्ञेय आत्मस्वरूप ज्ञेय अभिन्न इति अस्य व्याख्यान ज्ञान और ज्ञेय अभिन्न है उसी का व्याख्यान है ज्ञेय की स्वरूप भूत होकर के मतलब अव्यतिरिक्त है ना अभिन्न होकर के इस प्रकार से ज्ञान जो गगनोपमान धर्मान है ना इसी आकाश के समान जो जीवों को जो जान लिया था जह संबुद्ध जो इस प्रकार सम्यक रूप से जाना था मतलब संबुद्ध मतलब संबुद्धवान जानने वाले थे वो संबुद्धवान इति एवं इस प्रकार से ईश्वर जो कि भगवान है जो मतलब उनका तो सब ज्ञान है ये ज्ञान ज्ञानता ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं ज्ञान भगवान के स्वाभाविक रूप से है जो नारायण जो नारायण नामक जो है तम उस नारायण को नारायणम परम अयनम नारायण तम वंदे उस नारायण को मैं वंदना करते वंदना तो अभिवादये तो नारायण कैसे है दीपदाम्बरम है मतलब नररूपी नारायण है नररूपी नारायण तो दीपदाम्बरम द्विपद उपलक्षितानाम पुरुषानाम दो पद के द्वारा उपलक्षित होता है पुरुष चिड़िया भी दो पैर द्वारा होते हैं पद पूजिया को नहीं बोलते पुरुष बोलते हैं द्विपद उपलक्षितानाम पुरुषानाम वरम मतलब प्रधानम मतलब जिसको पुरुषोत्तम भी कहा जाता है पुरुषोत्तम इति अभिप्राय जो जाना था इस पुरुषोत्तम को मेरा जिसने इस प्रकार से ज्ञान और ज्ञेय को अभिन्न रूप से ज्ञाता के साथ अभिन्न रूप से जाना था उस पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष को मैं अभिवादन करता हूँ मैं अभिवादन करती थी अभिप्राय। यहाँ पे देखिए ज्ञेय धर्म ही ज्ञेय रूपी जो जीव है अथवा ज्ञेयों का जो गुण है आत्मभी अभिन्न वो जो है स्वरूप से अभिन्न है वो कैसा है अग्नि उष्णवत् सवित्र प्रकाशवत् अग्नि की उष्णता के समान और सविता के प्रकाश के समान जो ज्ञान है तेन ज्ञेय अभिन्न ज्ञानेन इस प्रकार उस ज्ञान के द्वारा जो ज्ञेयों से अभिन्न है मतलब जो ज्ञेय है वही ज्ञान है इसलिए उस ज्ञान उसको विषय नहीं कर पाता है ज्ञेय अभिन्न ज्ञानेन आकाश कल्पेन जो आकाश के समान व्यापक भी है ज्ञेय आत्मस्वरूप अव्यतिरिक्तेन ज्ञेयात्मस्वरूप अव्यतिरिक्तेन दो नंबर टिप्पणी देखिए ज्ञेय अभिन्न इति अस्यैव व्याख्यानम ऊपर बोल के आया था ना ज्ञेय अभिन्न तेन ज्ञेय अभिन्न उसी का व्याख्यान है कि अभिन्नता कैसे है स्वरूपभूत होकर के बैठा हुआ है अभिन्नता कैसे स्वरूपभूत होकर के बैठा हुआ है इसीलिए वहाँ पर दृष्टांत दिया था ऐसे अग्नि का स्वरूप उष्णता सूर्य का स्वरूप प्रकाश होता इसी प्रकार ज्ञेय आत्मस्वरूप अव्यतिरिक्त न गगनोपमान गगन के समान धर्मान इस प्रकार जीवों को जो संबुद्धवान जिसने जान लिया था ये संबुद्धवान इति संबुद्ध मतलब संबुद्धवान तीन नंबर टिप्पणी में देखिए संबुद्धवान इति मतलब यथार्थेन ज्ञातवान इति अर्थ जिसको जैसे स्वरूप है उसको उसी रूप में अनुभव कर लिया यथार्थेन ज्ञातवान जान लिए थे
तत्र संबुद्ध इति नारायण विशिष्यते। यहाँ पे जिसके पास बोध हमेशा रहता है इस शब्द के द्वारा नारायण को कहा जाता है, जिसको हम नमस्कार करना चाहते हैं। संबुद्ध इति नारायण विशिष्यते इति अयम एव ईश्वर, इसी को आगे जाकर के बोलते हैं इति अयम एव ईश्वर जो नारायण आपके, ठीक है ना। यहाँ पे संबुद्धवान इति यही जो है जो जाना वही ईश्वर है, वो नारायण नाम का नारायण नाम से कहा जाता है। तम वंदे उसी को मैं वंदना करता, अभिवादे अभिवादन करते हैं, दीपदांबर दो पदों दो पैर वालों में जो श्रेष्ठ है, दीपदो उपलक्षिता नाम पुरुषानाम पर दो पद के तरह उपलक्षित होता है, जितने जीव उसमें जो है सभी पुरुषों में जो श्रेष्ठ पुरुष है। यहाँ पे भी एक चार नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही हाँ, अंगादो अव्यक्ते अह दीपद उपलक्षिता नाम इति। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे बस हैं हाँ, पंगु आदि में अव्यक्ति ना हो जाए, क्योंकि पंगु पुरुष के भी ज्ञान हो सकते हैं। चलिए ठीक है, चल नहीं पता लग पता मैं दो व्यक्ति, इसलिए हमें बोलते हैं पंगादो अव्यक्ति आह द्विपद उपलक्षित नाम दो पद के तरह उपलक्षित, जो जो भी है वो सभी को जो ये प्रसन्न ये लाए द्विपद उपलक्षित बोला तो दो पैसे चलने वाला हो ना, तो जो पंगु होता है तो वो तो चल नहीं पाता तो है तो परंतु वो ज्ञान के लिए अधिकारी नहीं है, वहाँ पर अव्यक्ति ना हो जाए, वहाँ पर अव्यक्ति ना हो जाए, यहाँ पे बोलते हैं अष्टावक्र। ये तो सब मन में रख के ही लिखते हैं ऐसे द्विपद उपलक्षित नाम पुरुषानाम वरम, उस समस्त पुरुषों में जो श्रेष्ठ है प्रधान पुरुषोत्तम, उसी को पुरुषोत्तम बोलते हैं इति अभिप्राय है ना, ये इसका अभिप्राय है। पुरुषोत्तम किसको बोलते हैं, यस्मात् चरमतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमम्, अत्रास्मिन् लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम की परिभाषा है जो क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं। क्षर हो गया क्षर सर्वाणि भूतानि, तो जो आपका कूटस्थम अक्षर उच्च है ना, अरे क्षर और अक्षर से परे हैं, कूटस्थ मतलब ईश्वर को लेना, एक क्षर समस्त भूत हिरण्यगर्भ से लेकर के जितना जीव है ये क्षरात्मक जीव है, और ईश्वर जो है कूटस्थ है, इस क्षर और अक्षर से परे जो है शुद्ध ज्ञान हो चुका है। इसी को अक्षर मतलब ईश्वर, यहाँ दोनों से अपने आप ही बोलते भगवान जी भाई हमारी कथन नहीं है, जस्मात् क्षरातीतम् अहम् अक्षरादपि च उत्तमम्, मैं क्षर से भी अतीत हूँ और अक्षर से भी परे हूँ, इस प्रकार तत्व को पुरुषोत्तम कहा जाता है। हाँ, भक्त लोग ठीक है, भक्ति को लेकर के जो मतलब अवतार पुरुष आते हैं उनको पुरुषोत्तम शब्द से कहते हैं, कोई बात नहीं, पुरुषों में श्रेष्ठ होना व्यवहारिक जगत में जो पुरुष दिखाई पड़ते हैं उसके तुलना में अवतार पुरुष श्रेष्ठ होते हैं, इस हिसाब से बोलते हैं ना। शास्त्रीय परिभाषा से पुरुषोत्तम कौन है, जो छह अक्षर दोनों से परे हैं, मतलब निर्गुण इलाका विशेष के बोलना चाहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पंगु आदो अव्यक्ति आहुत द्विपद उपलक्षिताना इति। फिर आगे और बोलते हैं उपदृष्टि नमस्कार मुखेन ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री भेद रहित परमार्थ तत्व दर्शन यह प्रकरणे प्रतिपिपाद ईषितम प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारेण प्रतिज्ञात भवति। अब क्या हुआ, आपने तो जिस प्रकार हमने पूर्ण मत पूर्ण विदम बोला ठीक है ना, उससे जो है हमने किसी को नमस्कार तो नहीं किया, परंतु ये इसके द्वारा हमके तत्व को भी प्रतिपादन कर दिया है हाँ, अद्वैत नमस्कार नहीं है। तो यहाँ भी बोलते हैं कि उपदृष्टि नमस्कार मुखी ना, उपदृष्टि हो गया नारायण, और नारायण की नमस्कार को माध्यम बना करके, नारायण की नमस्कार को माध्यम बना करके क्या किया, ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री भेद रहित, ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय इन भेद से रहित है जो परमार्थ तत्व, परमार्थ तत्व दर्शन परमार्थ तत्व की संबंधित जो सिद्धांत यह प्रकरण है, इस प्रकरण में प्रतिपिपादेशितम प्रतिपादन करने की इच्छा है। क्यों, आपने तो पहले प्रतिपादन कर दिया, बोलते हैं कि हमारा प्रतिपक्ष भूता द्वैतिनो वैनाशिक है ना, मतलब आस्तिक और नास्तिक दर्शन वाले जितने प्रतिपक्ष प्रतिषेध धारण अपने विरोधी को निषेध के माध्यम से प्रतिज्ञातम भवति। यहाँ भी ये प्रतिज्ञा कर दिया, क्या प्रतिज्ञा कर दिया, परमार्थ तत्व भेद रहित है, और जो जिन लोगों ने इस प्रकार भेद को माना है
उनके सिद्धांतों को यहाँ पे निषेध करते हुए आगे छोटा छोटा कर खंडन करेंगे उस मत को। प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारे न, प्रतिपक्ष मत विरोधी विरोधी के सिद्धांत निषेध के माध्यम से ये अद्वैतीय पारमार्थिक सत्य है ये प्रतिपादन करके दिखाने की इच्छा से यहाँ पे प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ पे पाँच नंबर परमार्थ तत्व दर्शन यह प्रकरण प्रतिपाद निषेधम प्रतिपक्ष प्रतिषेध अच्छा नंबर पाँच अच्छा दो नंबर टिप्पणी है। पांच नंबर तत्व दर्शनम इति दृश्यते अनुभूयते इति दर्शनम ये देखिए हमारा दर्शन की वेदांत दर्शन सांख्य दर्शन है ना इस तरह सिंपली फिलोसफी यहाँ पे क्या है दृश्यते अनुभूयते दृश्यते इसी दर्शन यहाँ पे दृश्य मतलब आँख के द्वारा देखते नहीं है अनुभूयते इसको दर्शन इसको दर्शन हो गया दर्शन की दृश्यते अनुभूयते इति दर्शनम साक्षात अपरोक्षम परमार्थ तत्व प्रमेय विधि जो साक्षात अपरोक्ष है जो पारमार्थिक सत्य वस्तु है जिसमें यहाँ पे प्रमेय के रूप में कहा जाता है ना वही जो है दृश्यते अनुभूयते किसको देखा जाता है किसको अनुभव के जो जानने के को तत्व है और किस प्रकार से जाना जाता है कि हमारा स्वरूप से अभिन्न है ज्ञान ज्ञाता है ज्ञान भिन्नता नहीं है इस प्रकार से अनुभव में आता है दृश्यते अनुभूयते इति दर्शनम साक्षात अपरोक्षम परमार्थ तत्त्वम प्रमेयात् जो साक्षात जो साक्षात अपरोक्षात् ब्रह्म है ना जो साक्षात अपरोक्ष होता है किसी इंद्रियादि के माध्यम से नहीं जाना जाता है अपरोक्ष रूप में यही परमार्थ तत्त्व प्रमेय जो पारमार्थिक शब्द स्वरूप है वही यहाँ पे प्रमेय है मतलब जानने योग्य है कि इसका रिक्त होता है परमार्थ तत्व दर्शनम यह प्रकरण है प्रतिबिंब इस प्रकरण में उसी को प्रतिपादन करने की इच्छा रखते हैं प्रतिबिंब आदेशितम परंतु उसको प्रतिपादन करने के उसका विरोधी सिद्धांत को निषेध करते थे प्रतिपक्ष प्रतिषेध दारे छह नंबर टिप्पणी प्रकरणांतरभ्य विशेष अभी तक जो है किसी भी तीन प्रकरण में किसी प्रतिपक्ष को खंडन नहीं किया अभी तक जो है अपने सिद्धांत को पुष्ट किया अब इस प्रकरण में आकर के क्या करेंगे प्रतिपक्ष अन्य वादियों के सिद्धांत को कहा थोड़ा थोड़ा वहाँ पे क्या कमी है वो दिखाएं यहाँ पे इसका अभी तक तो केवल अपने सिद्धांत को प्रतिपादन कर दिया पहले तो अपने सिद्धांत को मंडन करके अब जो है दूसरे वादी के सिद्धांत के खंडन के प्रसंग होता है इसलिए आप बोलते हैं कि चैन प्रकरणांतर विशेषण इसका इसके पहले जो आगम प्रकरण अद्वैत वैतथ्य प्रकरण अद्वैत प्रकरण इन तीनों प्रकरण से यहाँ पे भिन्नता क्या है उसको कहते हैं प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारे यहाँ पे जो है कम अन्य अन्य पक्षों को निश्चित करने के माध्यम से इस तत्व को प्रतिपादन करेंगे ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं। मेन भाष्य में उपदेशम नमस्कार उपदृष्टि दृष्टि नमस्कार मुखेण ब्रैकेट में मुथन हाँ बोलिए तो क्यों है ये शंकराचार्य कुछ भाष्य में न आया कुछ भाष्य में न आया नहीं नहीं ये जो रकार के बाद नमस्कार रकार असभ्यम नो न समान बने रकार के बाद मुखेण आय से रामेण मुथन होना चाहिए था रामेण रामेण में रामेण मुथन यहाँ पे जो है इसी प्रकार नमस्कार मुखे न अब यदि नमस्कार एक समास पद हो गया तो समान पद हो गया इसीलिए वहाँ पे पोस्ट में रखा उसको है ना इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि नमस्कार में जो रकार दिखाई पड़ रहा है उस रकार को कारक को मूर्धन होना चाहिए और ये अश्व प्रयोग है ना उसके लिए नहीं अश्वकार लिखा कि नहीं लिखे मुझे पता नहीं है ग्रंथकार यहाँ पे जो बोल रहा है ये होता है इसकी होना चाहिए था मूर्धन्य भी हो सकता है यदि आप इसको समास में एक पद मानेंगे एक मामले एक सूत्र था कि उत्तर पदे समान उत्तर पदे न ऐसा कोई मतलब दो पद में जैसे वृत्तहन शब्द आया था वृत्तम हंति इति वृत्तहन वृत्तहन शब्द में जो आकार को ग्रंथन को मूर्धन हुआ वृत्त वहाँ पे क्या होता है वृत्तहन द्वितीय बहुवचन से वृत्तहन में मूर्धन हो जाता है जब उनकी उत्तर पदे अच्छा न ऐसा कुछ एक सूत्र आया हुआ है जो मतलब निमित्त पहले पद में है और उत्तर पद में तक मूर्धन हो रहा है ना उस सूत्र में है इसीलिए हाँ वहाँ पे विकल्प है इसलिए हमें मुखेना कर दिया हमारे पुस्तक में मूर्धन लिखा हुआ है ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री भेद रहित परमार्थ तत्व दर्शन यह प्रकरण प्रतिपिपादित प्रतिपक्ष निषेध द्वारे न प्रतिज्ञात भवत ये भाष्य पूरा हो जाता है टीका में आज टीका का क्या बोलते हैं टीका पेज 198 ठीक है ना पूर्व उत्तर प्रकरण संबंध सिद्ध्यर्थम पूर्व प्रकरण त्रय
वृत्तम अर्थम क्रमात् अनुद्रवती, ठीक है ना। कल पकड़िए शब्द पढ़ लेते, पूर्व उत्तर प्रकरण संबंध सिद्ध्यर्थ। पहले जो तीन प्रकरण है उसके साथ चौथा प्रकरण में क्या संबंध है उसको सिद्ध करने के लिए पहले प्रकरण में क्या कहा गया उसको भाष्य का अनुवाद करते हैं। पूर्व उत्तर प्रकरण संबंध सिद्ध्यर्थ, पूर्व प्रकरण त्रय तीन पूर्व के तीन प्रकरण में वृत्त्यर्थ जो कहे घटना घट गया उसको क्रमात् क्रम से अनुद्रवती क्रम से उसके अनुवाद करते हैं। ओंकार यहाँ पे इसको ओंकार निर्णय द्वारे न आगमत प्रतिज्ञात अद्वैत, ओंकार के निर्णय के माध्यम बना करके आगम की स्थिति के सारे प्रतिज्ञा किया गया है जो भेद रहित अथवा जन्म रहित तक स्थिति। बाह्य विषय भेद वैतत्वाच, किंतु बाहर तो भेद दिखाई पड़ता वो मिथ्या होने के कारण सिद्धस्य अद्वैतस्य पुनर अद्वैत शास्त्र युक्तिभ्याम, उस अद्वैत में शास्त्र युक्ति के द्वारा साक्षात निर्धारित जो पहले निर्धारण हो गया तद तद उत्तम सत्यम जो पहले कहे गया कि जत्र के चीति उपसंहार रखित इस प्रकार से दूसरा प्रकरण को उपसंहार कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे टीकाकार बोलते हैं अद्वैत इति अद्वैत उपलक्षित तृतीय प्रकरण उच्यते, वहाँ पे जो है ना कि बाह्य यहाँ पे ओंकार निर्णय दारेण आगमत प्रतिज्ञात अद्वैत है ना, तो वहाँ पे बोलते हैं कि अद्वैत इति अद्वैत उपलक्षित तृतीय प्रकरण उच्यते है ना, अद्वैत का उपलक्षित तृतीय अद्वैत प्रकरण है। अथवा यहाँ पे भी ले सकता बाह्य विषय भेद वैद्य वैयात्व वैतत्वाच सिद्धस्य पुनर अद्वैते, दो जगह पर अद्वैत पद आ रहे हैं है ना, एक जगह पर षष्ठी अर्थ देख सकते हैं। इस प्रकार अद्वैत शब्द का अर्थ क्या है, मतलब अद्वैत प्रकरण है, इसको शास्त्र ये वाला अद्वैत ठीक लगता है क्योंकि यहाँ पर शास्त्र युक्ति के द्वारा द्वैत को खंडन कर दिया गया है। इसलिए अद्वैत इति अद्वैत उपलक्षित तृतीय प्रकरण उच्यते। अब चतुर्थ प्रकरण अवतारयितुं उपयुक्तम अर्थांतरम अनुमति, चतुर्थ प्रकरण को भूमिका करने के लिए अवतरण करने के लिए चतुर्थ प्रकरण अवतारयितु उपयुक्त उपयुक्तम अर्थांतरम अनुमति, अनुकूल जो एक अर्थांतर विषय जिसका अनुवाद करते हैं आप। अच्छा अंते तस्य आगमार्थस्य अद्वैत दर्शनस्य प्रतिपक्ष भूता द्वैतिनो वैनाशिकस्य तेषां च अनन्य विरोधात् राग देशादि क्लेशास्पदं दर्शन इति मिथ्या दर्शनत्वं सूचितम्। तो ये आगम हमारा अद्वैत तत्व पारमार्थिक सत्य है, इसको इसको निर्णय करके तस्य एतस्य आगमार्थस्य उस इस श्रुति की तात्पर्यगत अर्थ को जो मैं हूँ अद्वैत दर्शन से अद्वैत दर्शन की विरोधी भूत प्रतिपक्ष होता जो द्वैत मतलब आस्तिक दर्शन वाले भेदवादी आस्तिक दर्शन वाले और वैनाशिक मतलब भेदवादी नास्तिक दर्शन तेषाम च अनन्य विरोधात् उन लोगों में भी आपस में विरोध होने के कारण राग देशादि क्लेशास्पद हो राग देशादि क्लेश के आधारभूत है वो दर्शन है यदि वहाँ पे मिथ्यत्व ये अर्थांतर है इसकी मतलब इस प्रकरण की उपयोगिता कहाँ पे है कि एक विषयांतर ये भी है अन्य दर्शनों में जो अद्वैत से विरोधी है उस सिद्धांत को यहाँ पे क्या करने वो भी दिखाएंगे इस प्रकरण में। अच्छा फिर टीका में देखिए बोलते हैं द्वैतिनो भेदवादिनो वैनाशिक व्यतिरिक्त गृहन्ते, वहाँ पे दो पद आया द्वैतिनो वैनाशिकस्य, ठीक है ना, यहाँ पे द्वैतिनो शब्द के द्वारा वैनाशिक मतलब बौद्ध सिद्धांत को अलग कर दिया है ना, उसको ग्रहण नहीं किया। द्वैतिनो द्वैतिनो मतलब क्या हो जाएगा भेदवादिन अनेकात्मा मानने वाला, वैनाशिक व्यतिरिक्त परंतु भेदवादी तो अनेक है परंतु बौद्ध सिद्धांत वालों को छोड़ करके कुछ का अलग नाम लिया गया है, कुछ का अलग नाम लिया गया है द्वैतिन भेदवादिन वैनाशिक व्यतिरिक्त वैनाशिक से भिन्न जो है उन लोगों को ग्रहण करते हैं यहाँ पे। तो आठ नंबर टिप्पणी में देखिए द्वैतिन भेदवादिन, अब यहाँ पे आठ नंबर टिप्पणी कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको भेदवादिन, वहाँ पे तो आठ नंबर टिप्पणी जो टीका में है टिप्पणी में नहीं है टिप्पणी, तो टिप्पणी के एक आठ नंबर अलग करके लिखिए आपके पास लिखा है नीचे
वेद बाह्यत्वात् विश्वादिं वैनाश्वत्वं पृथको उपादानं बाह्य विषयत्वात् वैनाशिकान् पृथक उपादानं ते ही, इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। आठ नंबर दे करके वेद बाह्यत्वात् पहले क्या लिखेंगे, वेद बाह्यत्वात् वैनाशिकान् पृथक उपादानं ते ही, हाँ फिर बाद में ते ही के बाद आगे जुड़ जाएगा वहाँ पर। पहले इसको लिखिए वेद बाह्यत्वात् वैनाशिकान् पृथक उपादानं। वेद भक्ति को बौद्ध जो है ना वो नास्तिक दर्शन है, वो वेद को नहीं मानते हैं, इसीलिए वेद के बाहर होने के कारण उन लोगों को अलग करके, ये जो हमारा द्वैतीन है ये वेदवादी है, वेद को मानते हैं, इसलिए बोलता है वेद बाह्यत्वात् वैनाशिकान् पृथक उपादानं। वेद के बहिर्भूत होने के कारण वैनाशिकों को अलग करके ग्रहण किया गया, द्वैतिक द्वैतीनों पथ के द्वारा किसको ग्रहण किया गया है, आस्तिक दर्शनों और वैनाशिक के द्वारा नास्तिक दर्शन। इसलिए बोलते हैं वेद बाह्यत्वात् वैनाशिकान् पृथक उपादानं, वेद के बाहर होने के कारण वैनाशिकों को अलग करके ग्रहण किया गया है। फिर कमा करके ते ही, अब देखिए आप टीका टिप्पणी में आ जाइए, सात नंबर टिप्पणी में प्रचारेण इति, सात नंबर टिप्पणी था उसमें आपने क्या लिखा था, पठन पाठनादीना अनेक पुरुष संबंध प्रचार, सात नंबर टिप्पणी अलग करके लिखा था। वहाँ पे वो पठन हिस्से को काट करके क्षणिक विज्ञानवादिनो बौद्ध किसके आगे जुड़ेगा, ते ही जो आपने लिखा ना वेद बाह्यत्वाद वैनाशिकान् पृथक उपादानं ते ही क्षणिक विज्ञानवादिनो बौद्ध, यहाँ पे आप लिखना नहीं पड़ेगा आपको, और वहाँ लिखा हुआ है पुस्तक में, लिखा है कि नहीं पुस्तक में, क्षणिक विज्ञानवादिनो बौद्ध नहीं क्षणिक विज्ञानम वैदिकम, क्षणिक विज्ञान वेद अनुकूल नहीं है, इतरे तो दैतिन परंतु अन्य जो द्वैतवादी है जीव ईश्वरादिकम अभ्युपगच्छन्ति, जीव और ईश्वर को अलग अलग मानने वाले हैं वैदिका एव ते, पर वो तो वेद अनुसार ही है, वैदिका एव ते मतलब वेद को मानने वाले हैं, है ना, वो लोग तो इसलिए दो भाग किया वहाँ पे ना हर्ष का द्वैतिनो वैनाशिकाश्च, यहाँ पे द्वैतिनो शब्दों के द्वारा भेदवादी आस्तिक दर्शन और वैनाशिक के द्वारा नास्तिक दर्शन इनको ग्रहण होता है, इसलिए आप बोलते हैं। तो आठ नंबर टिप्पणी पूरा पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वेद बाह्यत्वात् वैनाशिकान् पृथक उपादानं ते ही नहीं ते ही क्षणिक विज्ञानवादिनो बौद्ध नहीं क्षणिक विज्ञानम वैदिकम इतरे तु दैतिन जीव ईश्वरादिकम अभ्युपगच्छन्तु वैदिका एव इति अर्थ। ये हो गया हमारा आठ नंबर टिप्पणी, ठीक है, आठ नंबर टिप्पणी में कुछ लिखना पड़ेगा और कुछ वहाँ से ऊपर से जोड़ना पड़ेगा, सात नंबर टिप्पणी के साथ मिल गया था ना इसको, कैसे कैसे गलती हो गया देखिए। तो सात नंबर टिप्पणी था पठन पाठन आदि ने अनेक पुरुष संबंध प्रचार, उसका पठन जो है वहाँ पे रह गया, और एक एडिशन बनाना चाहिए, करेंगे आप और एक एडिशन बनाएंगे तो और गलती होगा गलती को सुधारने के लिए उतना सुधार जाएगा, क्योंकि जो टू एड इज ह्यूमन, उसमें ये लोग रहेगा पंडित लोग रहेगा महाराज लोग रहेगा, अरे कोशिश कितना कोशिश करते, ये पहला प्रकाशन में तो शास्त्री जी थे वो हिमाचल के थे, ना ना ये शास्त्री नहीं है, पहला प्रकाशन में देखिए उनका नाम पूरा बोल रहा हूँ, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, क्योंकि तो वो प्रेस में इसको जो है सोचिए मूल, फिर उसके ऊपर शंकर भाष्य उसका अर्थ, फिर शंकर भाष्य फिर टीका फिर टिप्पणी, एक ही पन्ने में उतना ही कुछ मतलब एडिट करके एक जगह पे लाना आसान काम नहीं था, आजकल तो कंप्यूटर है, पीडीबी में गलती हो गई टाइप करते हैं ना, वहाँ पे गलती होना, वो लोग जानते हैं वो लोग जैसा मन में है कर दिया, कभी कभी बोलते हैं टाइप में लेटर नहीं मिलता तो जो लेटर है वही लगा दिया,
उससे क्या गलती हो तो बात की बात है, पढ़ने वाले समझेंगे। तो द्वैतिन भेदवादिनो वैनाशिक व्यतिरिक्त गृहते द्वैतिक, वहाँ पे द्वैतिनो शब्द आया है कहाँ भाष्य में, है ना। द्वैतिन मतलब क्या हो गया, भेद दर्शन, आस्तिक भेद दर्शन, आस्तिक भेद दर्शन है। इसी पंतु वहाँ पे बौद्धों को नहीं लिया गया, वैनाशिक व्यतिरिक्त गृहते, क्यों वैनाशिक अलग करके बोला चीज। यहाँ पे जो है आठ नंबर टिप्पणी को बोलो राम जी एक बार, वेद बाह्यत्वात् वैनाशिकान् पृथक् उपादानं तेहि नहि क्षणिक न तेहि 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 क्षणिक तेहि क्षणिक विज्ञानवादिनो बौद्धा नहीं आपके पुस्तक में क्षणिक ये प्रचार सात नंबर टिप्पणी से पठन को छोड़कर उसका आगे देखो तेहि क्षणिक विज्ञानवादिनो बौद्धा नहीं क्षणिक विज्ञानम वैदिकम इतरे द्वैतिनो जीव जीव ईश्वरादिक जीव ईश्वरादिक अभ्युपगच्छन्तो न जीव ईश्वर में भेद मानते हैं परंतु वैदिक है वो, और ये लोग तो वेद को ही मानते नहीं है। त्रय वेदस्य कर्तारः धूर्त भांड निशाचरः निशाचरः त्रय वेदस्य कर्तारः धूर्त भांड निशाचरः, ऐसा वो लोग नारा लगाते थे। वेद को बनाया तीन व्यक्ति मिलकर के, कौन लोग, धूर्त भंड और निशाचर, इन लोगों ने मिलकर के वेद को बनाया। त्रय वेदस्य कर्तारः धूर्त भांड निशाचर, उस समय मतलब भगवान शंकराचार्य जब आए थे उस समय जो है वेद नहीं मानने वाले जितना नास्तिक दर्शन वो लोग ऐसा ना रहे, संभव तो था कि बोलबाला मुख्य था उस समय, मतलब जिस समय भगवान शंकराचार्य आए थे उस समय एक कोटि वेद को मानते थे, एक कोटि वेद को नहीं मानते थे। जो लोग वेद को मानते थे वो वेद की उपयोगिता कर्मकांड में ही मानते थे, वेद की तात्पर्य कर्मकांड में ही है, पूर्व मीमांसा उतने ही वो लोग थे, वो बलवान थे, कुमारी भट्ट आदि बौद्ध दर्शन का संशय वो तो ये नहीं बोलेगा ना, ना वो ये नहीं बोलेगा, वो तो बिल्कुल वेदवादी मानने वाला है, और उसके विरोध में बोलने वाले थे बौद्धवादी थे, बौद्धवादी जो क्या वेद को नहीं मानते थे, और वो क्योंकि वो अहिंसावादी थे ना, वैदिक जाति यदि अहिंसा देख करके बोलते नहीं नहीं ये वैदिक सिद्धांत नहीं हो सकता, ज्ञान भाग को मान्यता देते थे, मतलब अपने मन में जो बुद्धि को आत्मा मान लिया, और क्षणिक मान लिया, मान लीजिए आत्मा क्षणिक है केवल इतना ही मात्र देखिए, तो जो क्षणिक आत्मा अपने को बंधन में मान करके मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, जब मुक्त होगा तो बंध हो क्षणिक आत्मा रहेगा बंध आत्मा, दूसरा भेद मान करेगा वो, जो क्षणिक विज्ञान बाद आत्मा को क्षणिक, जब ज्ञान हो जाता है वो व्यक्ति पुराना व्यक्ति तो नहीं रह जाता, वो जो आत्मा जो शुरू किया था, लेकिन जब ज्ञान हो गया शंकराचार्य रामकृष्ण तब वो ये पुराना रहेगा, तो वो बॉडी वैसे रहेगा, परंतु ये बताइए जो मान लीजिए ज्ञान हो जाने के बाद मैं आया यहाँ पे 50 साल हिमालय में तपस्या किया करने के बाद आपको ज्ञान हुआ, 50 साल पहले कोई आपका व्यक्ति आपको आके मिला रे तुम ये व्यक्ति तुम, तो आपको कहता है तो आप उसको पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, तो आप बदल गए क्या, यदि वो व्यक्ति नया व्यक्ति कोई हो जाता है तो पहचान नहीं जाएंगे, हमारा अंदर का मतलब हाँ ये है कि अंदर में एक विशाल परिवर्तन होता है जो बाहरी लोग नहीं समझ पाते, इस विषय में कोई शंका नहीं है, परंतु उसको जो ज्ञान होना मतलब व्यक्ति पागल हो गया सब भूल गया ये बात नहीं है, दृष्टिकोण पूरा बदल जाता है, दृष्टि देखने की दृष्टि पूरा बदल जाता है। क्षणिक आत्मा में क्या थ्योरी, क्षणिक में क्या है कि एक क्षण में उत्पत्ति होकर के नाश हो जाता है आत्मा, हाँ वो विज्ञान बुद्धि को आत्मा, वो आत्मा मानते हैं बुद्धि को, क्षणिक विज्ञानवाद जो बोलते हैं, और एक तो शून्यवाद है तो शून्य से उत्पत्ति मानते हैं, तो उसको तो छोड़ ही दिया, क्षणिक विज्ञानवाद में प्रत्येक क्षण में उत्पन्न होता है और सजातीय एक वृत्ति को उत्पन्न करके एक ही क्षण में, इसको अलय विज्ञान बोलते हैं, अलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान, अलय विज्ञान मैं एक नाश करके एक उत्पन्न करता है, उसको अगर प्रवृत्ति विज्ञान घट पट मठ अभी जो भी जानते हैं उसको, आप मान लो जो व्यक्ति यहाँ पे आत्मा में बंधन अनुभव कर रहा है
तो मैं बंधन अब बताओ मैं बंधन में हूँ। तो अब जब मुक्त हो जाएगा तब वो क्या बोलेगा, तो जो बंधन में था वो तो चला गया, वो मुक्ति कैसे बन। इसमें कोई एक स्थिर तत्व है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, हर परिवर्तन को देखने के लिए एक अपरिवर्तनीय तत्व आधार हाँ, कोई एक अपरिवर्तनीय तत्व निश्चित है, तभी जाकर के हम सारा परिवर्तन को समझ सकते हैं। ये सबसे बड़ा आत्मा के नित्य का यही प्रमाण है, इसका अधिष्ठान, इसको अधिष्ठान बोलते हैं। ये बचपन से लेकर बुढ़ापा तक शरीर इंद्रिय मन बुद्धि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर में जितना भी परिवर्तन हुआ उसको देखने वाला उससे भेद एक स्थिर तत्व, नहीं इस परिवर्तन का समझ ही नहीं पाते, इस परिवर्तन का समझ ही नहीं पाते। यही सबसे बड़ा आत्मा की स्थिरता जो आत्मात्मा के प्रमाण के लिए शुरू होता है, निर्विघ्न भक्ति है। जब यहाँ पे दैतिन भेदवादिन वैनाशिक व्यतिरिक्त गृहन्ति, वैनाशिक कौन है, नैरात्मवादिन है ना, भाष्य में है ना, दैतिन शब्द का अर्थ करते फिर वैनाशिक अर्थ, निरात्मा शून्यवादी आत्मात्मा रहित, अच्छा वैनाशिक अर्थ। फिर राग द्वेष आदि इति आदि शब्देन अतिरिक्त क्लेश उपादानम, वहाँ पे क्या बोला है देखिए कि तेषां च अनन्य विरोधात् राग द्वेष आदि क्लेश आस्पदम दर्शनम, ठीक है भाष्य में है आदि, फिर आदि पद से क्या लेना है, तो बोलते हैं राग द्वेष आदि इति आदि शब्देन, वहाँ पे क्या लिखा इति टीका में जिस लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ो उस लाइन को, वहाँ पे दो नहीं लिखा है, इति आदि शब्देन एक हाँ एक दकार चाहिए वहाँ पे, इति राग देशादि इति इति आदि शब्देन आदि आदि शब्देन आदि शब्देन आदि शब्देन इति आदि इत्यादि आदि शब्देन, ठीक है ना, इति आदि शब्द एक दो बैठ जाए, एक हाँ एक दो बैठ, इकार के नीचे दकार रहेगा सकार अलग रहेगा, इकार के नीचे दकार रहेगा सकार अलग रहेगा, इसी का पहले ही दो बैठ जाएगा, परंतु इकार को दकार के साथ जाना पड़ेगा, स्व अलग रखना पड़ेगा, तो शीप उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना, इति आदि राग देश आदि इति आदि शब्द, ठीक है अपने हिसाब से उसको लिख लो, पंक्ति ऐसा होगा राग देश आदि मूल में भाष्य में है राग देश आदि क्लेशास्पदम, तो वहाँ पे जो आदि शब्द आया है उस आदि शब्द का द्वारा किसको ग्रहण करना है, आदि शब्द देना अतिरिक्त क्लेश उपादानम, तो राग देश को छोड़ करके अन्य जो और तीन क्लेश है वो तीन क्लेश क्या है, अविद्या अस्मिता और अभिनिवेश, नौ नंबर टिप्पणी में अविद्या अस्मिता, अस्मिता मतलब अहंकार, अस्मिता मतलब है मतलब दृष्टा और दृश्य मिला देना, इसे को अस्मिता बोलते हैं, अभिनिवेश क्लेश, ये पंच क्लेश, ये पंच क्लेश में दो का नाम लिया बाकी तीन को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अविद्या क्या हो गया, अनित्य अशुचि दुख आत्मा दुखनात्माशु नित्य शुचि सुखात्मा ख्याति अविद्या, दीप दृश्य तदात्मता अस्मिता, और स्वरसवाही विदुष अपनी स्वरसवाही विदुष तथा रूह अभिनिवेश, पुराने जन्म के संस्कार के अनुसार जैसा था उसी प्रकार से मैं मर जाऊँगा, मैं इस प्रकार के जो आप अभिनिवेश क्लेश बोलते हैं इसको, राग सुखानुसय राग दुखानुसय देश एक सुख है, यह पांच पंच क्लेश के लिए यहाँ पे कहा गया है, राग देश आदि इति आदि शब्द देना अतिरिक्त क्लेश उपादान, उपादान यहाँ पर अतिरिक्त क्लेश हो गया, नौ नंबर टिप्पणी में अविद्या अस्मिता अभिनिवेश आदि उपादान, ठीक है आगे बोलते हैं पक्षांतराना मिथ्या दर्शन सूचनम कुत्र उपयुज्यते, अन्यवादियों के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत तो सही नहीं है, इसकी उपयोगिता क्या है, दस फल रखा हुआ है, दस फल कोई लोहे का कोई मिट्टी का कोई लकड़ी का
कोई और कुछ मटीरियल का, उसमें एक सही फल है, एक सही है। तो आपने बोला कि ये जो नौ जो है सही नहीं है, मतलब क्या हो गया? एक सही है। जो एक सही है तो बोलते ये जो अन्न दर्शन को आप बोल रहे हैं कि ये सही नहीं, इसको उपयोगिता क्या है? उपयोगिता यही है कि अद्वैत दर्शन यथार्थ है। इसलिए बोलते हैं पक्षांतराना, मतलब आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का मिथ्या दर्शन सूचना हो, मिथ्या दर्शन है इसको जो सूचित करना चाहते हैं, इससे इसको उपयोगिता क्या है? पुत्र उपयुज्यते, इसको उपयोगिता क्या है? तत्र इसको उत्तर में कहते हैं कि यहाँ पे कि क्लेश अनास्पदत्वात्, क्लेश अनास्पदत्वात् आत्म एकत्व बुद्धिरेव सम्यक दर्शनम। देखिए हमारा दर्शन सही है ये नहीं बोल रहे हैं, उनका दर्शन ये नहीं बोल रहे हैं। एकत्व दर्शन में मतलब एकत्व बुद्धि में क्लेश नहीं है, भेद बुद्धि में क्लेश है। ये हम सबको समझ में आता है, भेद में ही क्लेश है, एकत्व बुद्धि में क्लेश नहीं है। समझ में आता है कि नहीं? सुषुप्ति अवस्था में, समाधि अवस्था में जिसको मैं अपना लिया उससे मेरा देश नहीं होता, मैं समझ लिया। परंतु जहाँ भिन्नत्व है, एकत्व दर्शन नहीं है। वेदांत दर्शन सही या द्वैत अद्वैत दर्शन सही ये नहीं पहले, एकत्व दर्शन क्लेश रहित होता है। अपने दर्शन से ये नहीं बोला, एकत्व दर्शन सबका अनुभव में आता है, बस इतने बोलते हैं। ये उपयोगिता है क्लेश अनास्पदत्वात् आत्म एकत्व बुद्धि एवं संभव दर्शन। आप देखिए सामान्य में भी, व्यवहारिक जगत में देखिए, किसी घर में नया शादी करके कोई बिटिया आया, कुछ दिन बाद घर में और भी जो लोग था कुछ विवाद अवध होते हैं, वो बोलते हैं पति होते अलग हो जाते हैं। इस पथों का कोई व्यक्ति आता है घर में कुछ फूल डाल देना अलग अलग, इस अलगवादी को लोग अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फूट करने वाला जो उसको अलग अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं लोग? यही अद्वैत दर्शन का मुख्य सिद्धांत है कि मिल के रहो, एकत्व बुद्धि के साथ रहो, तो विश्व शक्तिशाली रहोगे, उसमें तुम्हारा स्ट्रेंथ बना रहेगा। ये टुकड़ा 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 होता जा रहा है हिंदू समाज भेद बुद्धि के कारण, भेद बुद्धि के कारण। इसलिए एकात्म दर्शन श्रेष्ठ दर्शन है ना। शरीर दृष्टि से मत देखो, आत्मदृष्टि से देखो, तब एकत्व समझ में आएगा, तब जाके तुम समर्थवान बने रहोगे, शक्ति बना। इसलिए केश अनास्पदत्वात् आत्म एकत्व बुद्धि एवं सम्यक दर्शनम इति अद्वैत दर्शनम स्तुयते। इस प्रकार से अद्वैत दर्शन का स्तुति किया जाता है ना। वहाँ पर इसका पढ़ लिए थे उसको। अच्छा, पातनिकाम एवं कृत्वा समानांतरम प्रकरण प्रवृत्ति प्रतिजानीते। इस प्रकार से भूमिका करके भगवान भाष्यकार इस प्रकार से पातनिका मतलब भूमिका, इस प्रकार भूमिका बना करके समानांतर प्रकरण अगला प्रकरण मतलब अनाथ शांति प्रकरण की प्रवृत्ति हो भी हो रहा है, वो शुरू होने जा रहा है, उसको प्रतिज्ञा करते हैं। अनंत में अनाथ शांति प्रकरण को लिखने का प्रतिज्ञा करते हैं। तद यह विस्तारे न, ये जो बाकी चतुर्थ प्रकरण मतलब ये जो अद्वैत दर्शन सम्यक दर्शन है इसको विस्तार से, तद यह विस्तारे न अनन्य विरुद्धतया असम्यक दर्शनत्वं प्रदर्श्य। ये द्वैतवादी अद्वैतवादी अलग अलग एक दूसरे के साथ विरोध करते, वो दर्शन सम्यक नहीं इसको दिखा करके, तब प्रतिषेध है ना, उसको निषेध के माध्यम से अद्वैत दर्शन सिद्धि उपसंहार कर, अद्वैत दर्शन की सिद्धि को उपसंहार करना चाहिए। इति आबित न्याय न अनाथ शांति आरभ्यते न, आबित न्याय के सहारा लेकर के अनाथ शांति प्रकरण को शुरू किया जाता है। आबित न्याय न, देखो वहाँ पे टीकाकार लिखते हैं आबित न्याय व्यतिरेक प्राप्ति है, व्यतिरेक न्याय अतिरेक, आबित न्याय मतलब क्या हो गया? व्यतिरेक न्याय मतलब निषेध मुख से प्रतिपादन करते हैं, निषेध मुख से प्रतिपादन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दस नंबर टिप्पणी, व्यतिरेक न्याय व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? हम जानते हैं जत कृतकम तत् अनित्यम, जो वहाँ पर लिख रहे यथा यद कृतकम तद अनित्यम इति अन्वया, ये अन्य व्याप्ति है, जहाँ जहाँ क्रिया साधित्य अनित्य वस्तु है। अब अनित्यत्व अवगते अपी मतलब कृतक होगा तो अनित्यत्व होगा, इसलिए जो नित्य है वो कृतक नहीं है, जो नित्य है वो कृतिसाध्य नहीं है। जो बीत न्याय है वो है अन्य व्याप्ति, अन्य व्याप्ति जो बीत न्याय है अन्य व्याप्ति क्या होगा? यद कृतकम तद अनित्यम पॉजिटिव है, जो जो कर्म साध तो होगा अनित्य होगा,
जो कर्म शाद्य होगा वो अनित्य होगा। अब जो नित्य वस्तु है आत्मा, इसलिए आत्मा कोई कर्म शाद्य वस्तु इसलिए बोलते हैं जब कृतकम तब अनित्यम इति अन्वया अनित्यत्व अवगत। इस प्रकार अनित्यत्व को समझने पर भी जब जब न अनित्यम न कृतत कृतकम, जो अनित्य नहीं है मतलब जो नित्य ही नहीं बोल रहे हैं, जो इस प्रकार अनित्य नहीं है वो कृतिशाद्य भी नहीं है। ठीक है, जब न अनित्यम तब न कृतकम, न अनित्यम दो निगेटिव बोल रहे हैं, जो अनित्य नहीं है मतलब जो नित्य ही है वो कृतिशाद्य भी नहीं है। ये हो गया आपका आवृत्ति न्याय। इति व्यतिरेक अपि व्यभिचार शंका निराशिते न व्यक्ति निश्चय अर्थमिष्यते। वहाँ पे भी व्यतिरेक में भी व्यभिचार हो जाएगा, नहीं नहीं आत्मा जो है नित्य तो है परंतु कृतक भी होगा, व्यभिचार हो जाएगा। यदि ऐसा हम कहें तो उसको निराकरण करने के लिए हाँ अब यही करते बस यही हो गया, अब यहीं पर छोड़ते हैं, कल देख रहे हैं, कल तो अवकाश होगा, कल 18 तारीख है, कल अवकाश होगा। ठीक आज लास्ट वाला होगा, तृतीय वाला। यत् प्रज्ञालोकाभासा प्रतिहत्यवमम शान्तस्तभान्धकारो मज्जो उपयनोदमतिराशनीयत्पादावासुतानां श्रुतिशाविनयप्राप्तिरग्रहियमोधा ಗಚ್ಚತೆ ಪೂರ್ಣಶ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಶಾಂತಿ 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 ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ವಾದರಾಯಣಂ ಶೂದ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪುನಃ ಪುನಃ ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾಜ್ಞೇತಿ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದ ವಿಭಾಗಿನಿ ವ್ಯೋಮವದ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶಾಂತಿ।